चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक कोई सा भी खाली माउंटेन ड्यू का डिब्बा, और कोई सा भी आप एक डब्बा ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा एक कैंची की, और कैंची की मदद से यहाँ पे इसका निचला हिस्सा मैं कट कर ले रहा हूँ। जैसे मैं कट कर लूँगा आप ही वैसे ही कट कर लेना। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैंची की मदद से कट कर लिया हूँ, और निचला हिस्सा को अभी काम है इसको फेंकेगा मत। और देख सकते हैं निचले हिस्सा में से थोड़ा सा पीस कट कर ले रहा हूँ, आप भी कैंची की मदद से थोड़ा सा पीस कट कर लेना। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक कार्ड साइज का पीस यहाँ पे कट कर निकाल रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया हूँ, तो आप अपने अंदाजी से कट कर लेना। देख सकते हैं कैंची की मदद से मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक का यहाँ पीस था, मैं उसे कट कर निकाल रहा हूँ। आप भी ऐसा ही कर लेना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कट कर निकाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा ही ज़्यादा भी साइज़ का नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मैं ढक्कन खोल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आरी पत्ती की मदद से कट लगा रहा हूँ। ज़्यादा कट नहीं लगाना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ही कट लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे कट में लगा रहा हूँ इसकी मदद से, और उसके बाद यहाँ पर इसको चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का मदद करूँगा। आप ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा उतना हार्ड, और फेविक्विक तो आप जानते ही कितना हार्ड है, एक बार चिपकाने से दूसरा बार नहीं ये निकलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको आसानी से फंसा दे रहा हूँ, उस कट लगाया था जिसमें उसमें ही इसको फंसा देना है, और उसके बाद यहाँ पे फेविक्विक की मदद से इसको चिपका देना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं फेविक्विक लगा रहा हूँ, चारों तरफ मैं यहाँ पर फेविक्विक लगा दे रहा हूँ। और फेविक्विक लगाने के बाद यहाँ पे थरा थरा जो था मिट्टी की मदद से मैं यहाँ से मिट्टी दे रहा हूँ। आप लोग को पता होगा मिट्टी देने से ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है, आसानी से नहीं निकलता है। तो वीडियो आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वीडियो देख कर चल जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिट्टी डालकर ऊपर से फेविक्विक देकर बहुत ही आसानी से बहुत हार्ड में बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये चक्का में अभी घूमेगा तो इसको हार्ड तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये निकल जाएगा। अभी ऐसे ही मिट्टी देकर या कुछ भी देकर आपको बहुत हार्ड से इसको चिपका लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चिपका दिया है, तो ये बहुत ही शानदार साइलेंसर बन के निकल चुका है, जो कि रियल में साइलेंसर जितना ही आवाज़ देता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। साइलेंसर को टेस्ट करने से पहले इसको मैं यहाँ पे अपनी साइकिल में लगा दे रहा हूँ। देख सकते हैं मैं जैसा ही लगा दूंगा, आप वैसा भी लगा देना। और इसको आप कोई ग्लू गन के मदद से या कोई भी वायर की मदद से, यहाँ पे मैं डोरी का मदद ले रहा हूँ और रोप के मदद से यहाँ पे इसको मैं बहुत ही आसानी से लगा दूँगा। आप ही ऐसा ही लगा देना। तो वीडियो देखते वक्त आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वीडियो देखकर चल जाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे रोप की मदद से इसको लगा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से इसको लगा देना है, बहुत ही हार्ड इसको लगाना है जिससे ये नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पर शकल जब चलेगा तो ये निकल भी सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही मदद काढ़ा से इसको लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लग चुका है, टेस्ट करते हैं। बहुत ही शानदार है इसका आवाज़, रियल में बुलेट लग रहा है दोस्तों। फिर इसको एक बार चेक करते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साइड वाला बेल आइकन